हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे। यात्रा यही है, यात्रा की बिगनिंग होती है यहाँ से शुरू की थी कहाँ पहुँचे, अभी ख़त्म नहीं हुई है। नेहरू जी से चले मोदी जी तक आ गए, आगे कहाँ पहुँचेंगे वो तो आगे की बात है। मैं 2-3-4 उदाहरण दूंगा, ये ज्ञान में आप देने के लिए आज खड़ा नहीं हूँ। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद गए, समाजवादी युवजन सभा के लोग जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी के नेतृत्व में उन्होंने काले झंडे दिखा दिए। नेहरू जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उतर के आए, बोले इन लड़कों को बुलाओ, और पूछा कि भाई क्यों काले झंडे दिखा रहे। लड़कों ने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी और हॉस्टल की फीस बढ़ा दी, हम गरीब लड़के आसपास के गाँव के जहाँ रहते हैं हॉस्टल में कोई पढ़ने की स्थिति में नहीं। नेहरू जी ने तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन पंडित जी तो वहाँ के लिए कह ही सकते तो कोई बात नहीं। नेहरू जी ने कहा कि भाई वाइस चांसलर को बुलाओ, बीसी से कहा कि आपने फीस क्यों बढ़ा दी, कल तक ये आदेश वापस हो जाना चाहिए। आदेश वापस हो गया। एक बार जनेश्वर जी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बाहर निकाल दिया, एडमिशन दोबारा ले नहीं रहे थे। पंडित कमलापत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से शिक्षा मंत्री थे, पंडित जी के पास लड़के गए तो उन्होंने बीसी से कहा कि इसे दाखिला दीजिए, कि नहीं ये लड़का आंदोलन बहुत करता है। तो पंडित कमलापत त्रिपाठी ने कहा कि आंदोलन नहीं करेंगे तो नेता कैसे निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी से, और दाखिला किया। फिर जनेश्वर जी इस देश के कई मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस अब 300 दिन से ज़्यादा से लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अनशन किए हुए हैं कि स्टूडेंट यूनियन का गठन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। 300 दिन से ज़्यादा हो गए बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने जा रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के चुनाव, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है प्रयागराज यूनिवर्सिटी, उसमें नहीं करने जा रहे। और दो उदाहरण और देंगे, रूपाला साहब नाराज मत होना, पूर्वांचल उसका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी गए, हमारे मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे, तो स्वाभाविक गाड़ी आगे चली गई, हमारा मुख्यमंत्री पैदल पीछे पीछे चला, तो कब तक चलता चलता रहा, कोई केयर करता है? नेहरू जी लड़कों के लिए खड़े हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी मुख्यमंत्री के लिए नहीं खड़ी। वो तो आपके यहाँ क्या हुआ गुजरात में, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगले दिन ही या दूसरे दिन गुजरात में प्रधानमंत्री का रोड शो था, सारे देश ने देखा कि नहीं आपके मुख्यमंत्री खड़े हुए, तो SPG ने साइड करके चला गया, हटा दिया और सीधे गाड़ी चली गई कारवां, मुख्यमंत्री खड़े रह गए। तो एक हम चले वहां से थे और पहुंच गए यहां। इसलिए आप विचार कीजिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कायम रखना है कि नहीं रखना है। नए सदन में जा रहे हैं, इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग रहे, बहुत बड़े मन के लोग रहे, बहुत उच्च कोट की यहाँ बहसें हमेशा हुई हैं, इसने देश को बहुत कुछ दिया। संविधान सभा में तो हमारा लोगों ने कहा ही, आप सब जानते हैं कि दुनिया का जब बना तो ये सर्वश्रेष्ठ संविधान था, क्या हम उस संविधान को ठीक तरीके से रख सके, उसमें कुछ जोड़ सके, सिर्फ रोजाना घटाने का काम कर रहे हैं। अगर हम सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो काम नहीं चल सकता है। कानून बनता है कुछ चीज़ों को रोकने के लिए, कानून सारे देश की जनता को आतंकित करने के लिए नहीं बनाया जाता है। ऐसे ऐसे कानून बने, अपराधियों पर लगना चाहिए, आर्थिक अपराधियों पर लगना चाहिए, लेकिन कहीं व्याख्या नहीं है, जिस पर चाहें जिसको चाहें उस पर पुलिस जाके पकड़ लेगी, ED पहुंच जाएगी, ED पहुंच जाएगी। क्या ये संविधान कि मनसा संविधान निर्माताओं की इस तरह के कानून बनाने की रही थी? कभी कभी नहीं रही होगी। बहुत डेमोक्रेट थे और सारे लोग थे, और इस संसद में बैठकर भी इस तरह के कानून नहीं बने। कोटा बना, टाडा बना, सब बने, लेकिन वापस हुए कि नहीं हुए? अटल बिहारी वाजपेयी बड़े आदमी थे, अडवाणी जी थे, या उस सदन में इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी से लेके
बहुत बड़े बड़े लोग थे विपक्ष में, डॉक्टर लोहिया रहे और पहले रहे, संविधान सभा में तो थे ही सारी इंटेलेक्चुअल क्रीम देश की, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़े लोग रहे, अच्छे कानून बने। कल यहाँ से आपके कम्युनिस्ट पार्टी के हीरेन मुखर्जी, यहाँ भूपेश गुप्ता, तो जाने कौन कौन रहे, हर क्षेत्र के लोग रहे, बहुत बड़े लोग रहे। कभी इस तरह के कानून फ्रेम नहीं हुए, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, कभी इस तरह के कानून फ्रेम नहीं हुए कि हम जिन कानूनों से आम लोग डरने लगे हैं। आम लोग जब कानून से डरने लगे तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज होती है। इस सदन में, इस संसद में मैं 30 साल से ज़्यादा रहा, लगाव तो है ही, अब कल दूसरे में चले जाएंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि नए संसद भवन में जो भी आगे चल के नए लोग आएँ, उनमें से कुछ बड़े लोग पैदा हों और देश के संविधान को, देश की व्यवस्था को ठीक रास्ते पर ले चलें।